राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी।
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 जय जनंद यशोदा दुला Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
राजा राम सीता के पति राजा राम सीता के पति राजा राम सीता के पति राजा राम तुलसी यमुना शाली राम तुलसी यमुना शाली राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल 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 युग धर्मराज हरिनाम संकीर्तन की जय
सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि बोल। आराध्यो भगवान व्रजेश तनाय तद धाम राम्या काचिदुपाशना ब्रजवधू ब्रगे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण मम प्रेमा पुमर श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिदम तत्रादरे न पर वंशी विभो सितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिम वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्वहं न जाने लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे सियाराम मय सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाणी मनुजं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्युत्मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरिउ कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरणौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो मा
महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंस्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे सभी लोग हाथ जोड़ के बोलिए, जो लोग बाइक पे बैठे हैं वो लोग भी ठीक है, जो लोग खड़े हैं वह भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का राम कथा के इस द्वितीय दिवस में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर आयोजित इस भगवत कथा भगवान श्री राम की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। उधर कुछ डंडे लेकर रहने पड़ेंगे। एक इलिटरेट की तरह बिहेव कर रहे हैं वो लोग, तो उनके साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। देखिए भगवान के कार्य में, भगवान की कथा में व्यवधान पहुंचाना ये किनका कार्य है? जब पूर्व में यज्ञ हुआ करता था तो उसमें कौन लोग विघ्न पहुंचाने के लिए पहुंचते थे? समझना चाहिए ये यसुरों का कार्य है भगवान की कथा में व्यवधान देना। इसलिए बैठना चाहिए और कथा सुनना चाहिए शांति से। परम सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग भगवान की इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। भक्तों, जब हमारे जीवन में बहुत सारे स्वीकृति इकट्ठे होते हैं, कई कई जन्मों के स्वीकृति इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण कर सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि मेरे बाजू वाला ही है और नहीं आ रहा है, वो नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है, स्वीकृति ही नहीं है। समझ रहे हो? तो जब किसी के जीवन में बहुत सारी स्वीकृतियां जमा होती है तब वह व्यक्ति कथा श्रवण करने के लिए पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। Bye.
फिर कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, जो लोग आए थे सिंसियरली कथा सुन रहे थे, इससे पता चलता है कि सुन रहा था या नहीं सुन रहा था। क्या होमवर्क था? ये कथा कहां से प्रारंभ हो रही है? श्री राम कथा, बताइए। प्रयाग से। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और सर्वप्रथम कौन सुनाने के लिए बैठे हैं? याज्ञवल्क्य जी, वेरी गुड। किनको सुना रहे हैं? भरद्वाज जी को। वेरी नाइस, बहुत अच्छे लोग भी यहाँ रहते हैं, हमें लगा केवल बुरे लोग रहते हैं, नहीं अच्छे लोग भी रहते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए सामने बैठ के फोन नहीं रिसीव करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। देखिए मेरे कथा का रूल है, साधारण सी बात है कि मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। मैं इनके गांव में कथा करता हूँ हर एक साल, पिछले दो सालों से लगातार करते आया हूँ। और आप लोग तो 100-200 भक्त हैं वहाँ पे, 2-2 हजार भक्त भी आते हैं, 2-2 हजार, 3-3 हजार भक्त भी आते हैं। और ऐसी स्थिति में भी अगर डिस्टरबेंस होती है तो कथा में बंद कर देता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया बंद रखिए, नहीं तो फिर कथा समझ में नहीं आएगी। और मैं वैसा वक्ता नहीं हूँ कि आऊं आपको सुनाऊं और चले जाऊं, कुछ भी गा करके कुछ भी बजा करके चले जाऊं, वो मुझे पसंद नहीं। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत सुंदर सुना कि प्रयागराज से कथा प्रारंभ हो रही है, सुनाने के लिए बैठे हुए याज्ञवल्क्य ऋषि और सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। गत सत्र में हमने श्रवण किया, क्या श्रवण किया? कि देवी पार्वती, देवी सती भोलेनाथ के संग कहां पे गई? कुंभज ऋषि के पास। और हम लोगों ने उसे सीखा भी क्या कि जब कहीं धर्म कार्य के लिए जावे तो कैसे जावे? पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ जावे। लेकिन उसका असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो बहुत सुंदर शिव जी और देवी सती कथा सुनने के लिए जा रहे थे। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। तबला थोड़ा कम करो। त्रेता की बात। कौन से युग की बात? त्रेता युग की बात। कैलाश धाम में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, कैलाश में रहने वाले भगवान भोलेनाथ दक्षिण में कुंभज ऋषि के पास कथा को सुनने के लिए। क्या कर रहे हो? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए क्यों? कथा सुनने के लिए। कहते हैं अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, अपनी पत्नी ठीक।
तो संग सती जग जननी भवानी। कैसे गए? देवी सती के साथ गए। और जब गए गए थे रामकथा सुनने के लिए, बड़े उत्साहित थे, और देवी सती भी बड़ी उत्साहित थी कि भाई राम कथा सुनने के लिए जाएंगे, भगवान श्री राम की कथा सुनने बहुत उत्साहित थे। देखिए शिव जी महान भक्त हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त, वैष्णवानाम यथा संभो, भोलेनाथ भगवान शिव बहुत बड़े भक्त हैं। और इतने महान होते हुए भी वो भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा रखते हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए। हम एक बार सुन लेते हैं, अरे हमने पूरा राम कथा सुन लिया है, पूरे जीवन के लिए सुन लिया है। खाना दिन में 3 बार चाहिए, लेकिन भगवान की कथा जीवन में एक बार नहीं। हम लोग खाना खा करके ध्यान रखिए, भोजन करके प्रसाद खा करके अपने शरीर का पोषण तो कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का पोषण कब होता है? जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है। तो बहुत सुंदर कथा सुनने के लिए पहुंचे शिव जी अपनी पत्नी को लेकर के, और जब कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, देखिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए अगर कथा समझना है। कुंभज ऋषि के पास पहुंचे और पहुंचते ही भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि को क्या किया? प्रणाम किया। हम भी जब कभी कहीं कथा सुनने के लिए जाएं, हमारा कर्तव्य है कि सर्वप्रथम हम जाकर के क्या करें? प्रणाम करें। प्रणाम करना चाहिए, ऐसा नहीं और कथा सुनाइए हम आ गए हैं, तब से आकर के बैठे हैं, आप इतना विलंब करके आ रहे हैं, जल्दी शुरू करिए, बहुत हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं तो मैं चला जाऊंगा भैया, बहुत हो गया, बहुत देर से मैं सुनने के लिए आया हूँ। नहीं, श्रोता का कर्तव्य है कि वह वक्ता से पहले आवे और वक्ता के जाने के बाद जाए, यह एक श्रोता का कर्तव्य है। अब देखिए, जब भोलेनाथ कुंभज ऋषि को प्रणाम किए, तो कुंभज ऋषि भी वैष्णव है, और वैष्णव का सिद्धांत कि वैष्णव प्रणाम स्वीकार नहीं करते, बदलने में प्रणाम देते हैं। तो जब कुंभज ऋषि ने, क्षमा चाहूंगा, जब भोलेनाथ ने इधर से प्रणाम किया, तो कुंभज ऋषि ने भी इधर से प्रणाम किया। अब जब कुंभज ऋषि को प्रणाम करते हुए देवी सती ने देखा, बस वहीं श्रद्धा खत्म हो गई। अरे ये क्या सुनाएगा कथा हमको, ये तो मेरे पति को ही प्रणाम कर रहा है, अब मेरे पति को प्रणाम करने वाले में क्या दम होगा? ऐसे आपके गांव में भी शायद चर्चा होती होगी, अरे एक छोटा सा बच्चा आया, क्या सुनाएगा कथा, पता नहीं वरुण जी कहां से पकड़ के ले आए, बैठ जाते पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। जहां श्रद्धा कम हुई, अपराध होना शुरू हुआ, और उस अपराध का भी देखेंगे कि किस प्रकार से देवी सती का जीवन बर्बाद हो जाता है। ये जो प्रसंग है ना, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक श्रोता को किस प्रकार से होना चाहिए। तो यद्यपि कुंभज ऋषि की नम्रता थी, लेकिन देवी सती समझ नहीं पाए। कुछ लोग होते हैं हमारी नम्रता को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, अरे तो धोती कुर्ता पहनता है, क्या दम होगा, क्या दम होगा इसमें, कभी मिलो तो फिर बताओ क्या दम होगा। हम लोग जिस दिन भगवत गीता जयंती होती है, हम लोग गीता बांटने के लिए रास्ते पर जाते हैं धोती कुर्ता पहन करके। हम लोग फोकस करते हैं कि कुछ बच्चों को मिले, सबको मिले,
कुछ को लगता है कि अरे क्या इन लोगों से बात करेंगे, बाबा का वही पूछते हैं। तो जब बात करते हैं तब पता चलता है अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे बड़ा इंजीनियर है, है ना। तो सती के मन में श्रद्धा कम हो गई। सोचे कि कोई पहुंचे हुए संत होंगे, कोई बहुत बड़े महात्मा होंगे, लेकिन मेरे पति को प्रणाम करें, ये कैसे संत है, ये कैसे महात्मा है। कुछ लोग धोती वाले को देखकर ना बड़ा ढीला समझते हैं, वो ढीला आदमी होगा, लेकिन ध्यान रखिए जो धोती वाला कार्य कर सकता है ना, वो पैंट शर्ट वाला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये देश गुलाम था, सदियों से गुलाम चल रहा था, इसको आजाद कराया किसने? धोती वाले गांधी जी ने आजाद करा दिया। पूरा पाश्चात्य जगत, पूरा ब्रिटिश, पूरा अमेरिका, ये सब पापों में लगे थे, एलएसडी पड़े पड़े थे, एकदम भरे पड़े थे, दिन रात नशा करना, मांस खाना, जुआ खेलना, पर स्त्री पर पुरुष संग करना, सो जाना, बस इसी तरह से जीवन बिता रहे थे। ऐसे नशेड़ियों को भी, ऐसे हिप्पियों को भी हरे कृष्ण महामंत्र के आनंद में झुका दिया किसने? श्रील प्रभुपाद ने। 70 साल का व्यक्ति, कितने साल का? 70 साल का व्यक्ति, जब 70 साल का आज का व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है, उस समय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद वृंदावन से चले कहां? अमेरिका। क्यों? घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि अमेरिका में, पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है, और तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम जाओ और क्या करो, उन पश्चिमी देशवासियों को तारो। सोचिए 70 साल की उम्र में हम घर से बाहर निकलने के विषय में नहीं सोच सकते, और उस समय वह व्यक्ति 40 रुपए लेकर के, कितना? 40 रुपए लेकर के अमेरिका चले, और हाथ में क्या? एक भगवद गीता, एक भागवतम, एक छतरी और एक जोड़ा धोती कुर्ता, यही लेकर के चले अमेरिका। 40 दिन की यात्रा के बाद मालवाहक जहाज में गए, 40 दिन की यात्रा करने के बाद कहां पहुंचे? अमेरिका पहुंचे। वहां पर जाकर के देखा तो सरकार ने कुछ लोगों को निकाल दिया था, कि घर छोड़ दिए थे कुछ लोग, क्योंकि उन्हें घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, नशा करना चाहते थे, मांस खाना चाहते थे, कच्चा मांस, पक्का मांस जो मिल जाए, ड्रग्स लेते थे और पड़े रहते थे बाहर। आप सर्च करना इंटरनेट पे श्रील प्रभुपाद, कौन है श्रील प्रभुपाद, आपको पता चलेगा। 40 रुपए लेकर के हम यहां से देवीपुर चौक नहीं जा सकते हैं, और 40 रुपए लेकर के हिम्मत कर दी कहां जाने की? अमेरिका जाने की। 40 रुपए लेकर के गए, दो जोड़ा धोती कुर्ता लेकर के गए, एक भगवत गीता लेकर के गए, और एक जोड़ी करताल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लेकर के गए थे, एक पेटी में इतना ही सामान और एक छतरी। और जा करके जो लोग रात दिन शराब के नशे में, रात दिन ड्रग्स के नशे में पड़े रहते थे, उनको बना दिया बड़ा बड़ा भगत, ब्रह्मचारी बन गए वो लोग। आप कभी हमारे मंदिर आवे वृंदावन मायापुर स्थानों में, तो देखें कि कैसे ये अमेरिकन, ये फॉरेनर लोग हमारे मंदिर में हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए झूम रहे हैं। ये किसी और की देन नहीं है, यह देन है किसकी? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, एक धोती वाले की। ये महिमा है धोती वालों की। आज भी अमेरिका में उनके नाम से गलियों का नाम रखा गया, भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत गली, भक्ति वेदांत मैरोन, इस प्रकार से। हजारों लाखों लोगों को भक्त बना दिया, 700 से ज्यादा मंदिर पूरे विश्व में, कितना? 700 से ज्यादा, और छोटे छोटे मंदिर तो पूछो ही मत, असंख्य संख्या में। अरे पाकिस्तान में जाकर के 12 मंदिर बनवा दिए, एक नहीं दो नहीं 12 मंदिर बनवा दिए। अब बता,
वो 40 रुपए लेकर के गए थे, याद रखिए। तो धोती वाला कमजोर नहीं होता है, ध्यान रखिए। जो पावरफुल होता है ना, वो छुपाता है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जो पावरफुल नहीं होता है ना, वही पहनेंगे इतना टी शर्ट और इतना इधर फुला लेंगे। मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, वो हवा पीपी के बस थोड़ा फूक गया है, ऐसा कुछ नहीं। तो कुंभज ऋषि की नम्रता को समझ नहीं पाए और श्रद्धा खत्म हो गई। कोई दम नहीं, सती के मन में श्रद्धा कम हो गई। याद रहे, राम कथा हो, भागवत कथा हो, भगवत गीता हो, किसी किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, श्रद्धा अपेक्षित है। श्रद्धा नहीं तो अपराध ही अपराध, अपराध ही अपराध। तो सती के मन में श्रद्धा कम हो गई। कुछ इधर भी बिछवा दीजिए, माता जी लोगों का फूल हो गया है तो फिर बार बार दिक्कत होगी। देखिए कुछ व्यवस्था हो, उस तरह से करा दीजिए। तो कुंभज ऋषि के पास गए और बहुत सुंदर कहते हैं, राम कथा मुनि मर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई, बहुत सुंदर राम कथा चलाई और बहुत सुंदर राम कथा सुन करके शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा था। अब देखिएगा, थोड़ा कंपैरिजन करिएगा, जो जिनको आनंद आ रहा है, जो छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हैं, वो कैसे हैं? भगवान भोलेनाथ की तरह। उन्हें क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। लेकिन उसी समय कहते हैं क्या, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले क्या आनंद केवल भोलेनाथ को ही आ रही? अरे हमने सुना कि कथा सुनने के लिए तो दो लोग गए थे, भोलेनाथ और देवी सती, फिर यह कैसे संभव है? बोले शिव जी को इसलिए आनंद मिला क्योंकि शिव जी जगकर कथा सुन रहे थे और उनकी पत्नी देवी सती कथा सुनते सुनते सो गए थे। देखिए कथा में सोना, कथा को अधूरे छोड़ करके जाना किस प्रकार से हमारे जीवन का पतन कराता है, ध्यान रखिए। सुनिए, कथा में सोना बहुत बड़ा अपराध। सोने से कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा गलती कर बैठता है व्यक्ति, देखिए। अथवा कथा को अधूरा छोड़कर जाने से कितना बड़ा गलती कर बैठता है व्यक्ति, देखिए। ये प्रसंग से हमें पता चलता है। कुंभज ऋषि इस प्रकार से कथा कर रहे हैं और उसी समय कहते मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। उसी समय बीच कथा में कहते हैं कि मुनि संग कुंभज ऋषि से विदा मांगे, किसने? त्रिपुरारी। भोलेनाथ ने विदा मांगा। अब इतनी सुंदर कथा चल रही हो, गंगा की धारा की तरह धारावाहिक एकदम धर धर करते हुए कारा बह रही हो, कथा बह रही हो, और उसी समय कहते हैं धारावाहिक कथा को रोक कर मुनि संग विदा, मुनि कुंभज ऋषि से विदा मांग रहे। आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि ये हो ही नहीं सकता है कि भोलेनाथ राम कथा छोड़ करके चले जाएं, विदा मांग ले, ये कैसे संभव है? बोले देखिए,
त्रिपुरारी शिव जी तो नहीं जाना चाह रहे थे, उनको जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन साथ में लेकर के किनको गए थे? देवी सती को। तो बोल कथा चल रही थी, कथा चल रही थी और कथा में ये तो सो गए थे, आंख खुली, खुल गई माता जी आपकी आंख, जग जाओ, बोलो दोनों हाथ उठा करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना कथा में नहीं सोना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध। देखो अभी देवी सती से कितना बड़ा गलती होगा। तो बोले शिव जी तो नहीं जाना चाह रहे थे कि दो पांच दिन की कथा और सुनो। जैसे इस गांव में भी लोगों कुछ लोगों की इच्छा होगी, कह रहे कथा और पांच छह दिन चले, और कुछ लोगों की इच्छा होगी, अरे यार ये कब जाएंगे, कब जाएंगे और मैं फिर से पुनः मेरे कार्य में लग जाऊंगा। क्या कार्य? कुछ कार्य तो नहीं भाई, फालतू के। तो बोले शिव जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करें, हेड ऑफिस से इशारा हुआ। हेड ऑफिस बोले तो पत्नी से इशारा हुआ। अब बेचारा पति कितनों ही प्रेम से कथा सुने, लेकिन पत्नी अगर जग गई और आंखों से इशारा कर दिया, तब से बैठ के कथा ही सुनते रहोगे, चलो चलोगे नहीं? बेचारा कितना भी मन लगा के बैठे, पति को जाना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं। एकदम रिमोट कनेक्शन है, आंख जो है सो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, खाली इधर से खड़े होकर चलो बस। बेचारा पति एकदम एकदम कथा में लीन है, लेकिन उसे उठ करके भागना ही पड़ेगा, क्या करे। तो भोलेनाथ से विदा मांगे, भोलेनाथ विदा मांगे और जाने के लिए विदा मांगे। एक सिद्धांत भक्तों की कथा को कभी अधूरा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कथा सुने, उसे अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और तब निकले। अगर अब आप ध्यान देवें तो रामायणकार क्या लिखते हैं, देखिए पहले क्या लिखा था। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। कौन गए थे साथ में? जगत जननी देवी मां, देवी है ना, पार्वती, क्षमा चाहूंगा, देवी सती। अब जब रिटर्न आ रहे हैं तो रामायण क्या क्या लिख रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं रामायणकार। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ भाव में अंतर हो रहा है। जब जा रहे थे कथा सुनने के लिए बहुत सुंदर लग रहे थे, कैसे जगत जननी माता की तरह लग रहे थे, लेकिन जब आ रहे हैं क्योंकि राम कथा को बीच में ही छोड़ दिया, अतः बोल रहे हैं कि ना ना ना, ये कोई जगत जननी माता भवानी नहीं है, अरे ये तो अपने बाप की तरह ही, बाप की सिखाई हुई दक्ष की बेटी है। रामायण कार्य लिख दिया है ना, यह कोई जगत जननी भवानी नहीं है, दक्ष की बेटी है, दक्ष की जैसी हो। और चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, भोलेनाथ देवी पार्वती नंदी के ऊपर सवार होकर के, उनकी तो गाड़ी वही है ना, भोलेनाथ की गाड़ी वही है नंदी, उनके ऊपर सवार हो जाते हैं फिर चलते रहते हैं। तो नंदी चल रही, चल रहा है और भगवान दंडकारण्य आदि भोलेनाथ दंडकारण्य जंगल प्रवेश किए, और उसी समय उनकी मन में इच्छा हुई कि अरे बहुत सुंदर भगवान का कथा सुना, और कथा में सुना कि भगवान का जन्म हो चुका है, भगवान का विवाह हो चुका है, भगवान का वनवास हो चुका है, और यहाँ तक कि देवी सीता का हरण करके रावण लेकर के भी जा चुका है, और भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य आदि वनों में भटक रहे हैं। वही सोच रहे हैं कि काश अगर ऐसा होवे, हमें भगवान का दर्शन हो जाए, तो क्योंकि त्रेता युग तो आ ही चुका है, त्रेता युग ना, यहाँ से कुछ नहीं।
यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है तो ठीक है ठीक है तो दंड कारण से भूलना जा रहे हैं। मन में इच्छा हो रही है कि भाई अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो भगवान का दर्शन हो जाए तो ठीक हो जाए। कथा सुनने का फल मिल जाए, लाभ हो जाए। तो उसी समय रामायणकार कहते हैं, अरे त्रेता युग तो आ ही चुकी थी, भगवान का जन्म हो ही चुका था, भगवान का विवाह हो चुका था और भगवान वनवास को प्राप्त करके देवी सीता का हरण हो चुका था और भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य में आदि जंगलों में घूम रहे थे। उसी समय भोलेनाथ ने देखा कि भगवान अपनी पत्नी देवी सीता के विरह में जंगलों में रो रहे हैं और भटक रहे हैं। जैसे ही भगवान ने को देखा, भोलेनाथ की इच्छा हुई कि मैं भगवान के समक्ष जाऊं और सामने जाकर के प्रणाम करूं। फिर अपने मन को समझा रहे, नहीं नहीं, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं और ऐसे लीला में अगर मैं जाऊं तो क्या होगा, लीला में बाधा पहुंचेगी। मैं काम करता हूं, यहीं से लेट करके प्रणाम करता हूं। तो भगवान को यहीं से लेट करके प्रणाम करने लगे और जैसे ही लेटे, देवी सती कहती हैं, अरे क्या कर रहे हैं मेरे पति, जहां देखो वहीं पे गिर जाते हैं और प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि महादेव आप यहां पे किनको प्रणाम कर रहे हैं। बोलना दिखाए कि देवी वो देख रही हो, वो जंगलों में जो भटक रहे हैं, जंगलों में जो भटक रहे हैं वो दिख रहे हैं तुम्हें। बोले हाँ, वो एक लड़का लाल कपड़ा पहने हुए रो रहा है, वही ना। हाँ वही। आप लोग ध्यान रखिए, टाइट करिए अपने सिस्टम को, कथा में विघ्न कराना बहुत बड़ा अपराध है। दिन भर आप यहां नहीं होते, हरे कृष्णा हरि ओम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवी सती ने कहा, वो लड़का भगवान है, वो जो रो रहा है वह भगवान है। बोले हाँ सती, वो भगवान है। ये तो खुद ही कितना बोल लेता है, मुझे बोलने की जरूरत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भगवान ऐसे दर दर भटक सकते हैं क्या, भगवान ऐसे रो सकते हैं क्या। वास्तव में भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति विस्मित हो जाता है। अब देखिए, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, इंद्र विस्मित हो गए, बड़े से बड़े व्यक्ति विस्मित हो जाता है। देवी कुंती अपनी स्तुति में भगवान से कहते हैं कि प्रभु, इस संसार में कुछ लोग आपके ऊपर विश्वास करें तो कैसे करें, और मान लो कर भी लिया तो आप ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि बड़े बड़े की खोपड़ी घूम जाती है, बड़े बड़े की खोपड़ी घूम जाती है। अरे अरे, तीन तीन माथा रखने वाले ब्रह्मा जी की खोपड़ी जब घूम जाती है तो हम मनुष्यों की खोपड़ी घूम जाए, कौन सी बड़ी बात है बताओ।
तो कहती हैं देवी कुंती कि प्रभु जब आप कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराते हो तो हमें लगता है कि अरे नहीं ये भगवान है, और अगले ही पल में आप द्रौपदी के चप्पल को उठा करके अपने बाजू में दबा लेते हो। अब बताओ कैसे कोई आपको भगवान कहे? जब आप यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं तो हमें लगता है कि आप भगवान हो। अगले ही पल क्या करते हो आप? बिल्ली की आवाज सुन करके देवी यशोदा के पल्लू में छुप जाते हो। बताओ कैसे कोई आपको भगवान कहे? कैसे कोई आपको भगवान कहे? बताओ कैसे कोई भगवान करे? कभी नंद गांव में माखन चुराते हो तो कभी यवध में कौशल्या से खेलने के लिए चंद्र मांगते हो, और पानी में परात में पड़े हुए चंद्र को देखकर उससे खेलने लगते हो। अब बताओ कैसे कोई भगवान करे? आपकी लीला समझना बड़ा मुश्किल है प्रभु। भगवान की लीला देवी सती समझ नहीं पाई, और कारण क्या था? ठीक से कथा नहीं सुनी। कथा सुना होता तो पता होता अरे नहीं भगवान है, और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जगत के नियमों से हम बंधे हैं, जगत के नियमों से हम बंधे हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखिए ये जगत के नियम भक्तों हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। अब जैसे समझिए इसको भौतिक उदाहरण से, जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं और रेड लाइट जल जाए तो इसका मतलब क्या है? कि अब रुक जाओ, है ना? अगर रेड लाइट क्रॉस किए तो फाइन लग जाएगी, सजा मिल जाएगी। मान लीजिए हम लोग रेड लाइट को देख करके रुक गए और उसी समय ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जाए और नीचे वाला व्यक्ति बोले अरे अरे ये हेलीकॉप्टर वाला कितना मूर्ख है, देखो कितना मूर्ख है, देखो रेड लाइट देख करके रुका। तो मूर्ख कौन है? नीचे वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, क्योंकि वह ट्रैफिक नियम किसके लिए है? नीचे वालों के लिए, ऊपर वाले के लिए नहीं, हेलीकॉप्टर वालों के लिए नहीं। उसी प्रकार से इस पृथ्वी के, इस जगत के जो नियम है वो किन के लिए है? हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान कभी भी इस जगत में नहीं बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। भगवान देवी सती भगवान की लीला को समझ नहीं पाए, और कारण बस इतना था कि कथा में आई तो थी लेकिन कभी सो रही थी, कभी गप कर रही थी, तो कभी आधी कथा में उठ करके चल दी, तो कथा समझ में नहीं आई। ध्यान रखिए, जो लोग भगवान की कथा को ठीक से नहीं सुनते हैं, ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं ना, वो जीवन में कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। कभी भी गारंटेड है कि वह भगवान को समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। अगर भगवान को समझना है तो भगवान की कथा सुननी होगी, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अथवा अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान होवे तो उसका क्या उपाय है? केवल और केवल भगवान के विषय में सुनना। अगर हम भगवान के विषय में सुनेंगे, भले अभी समझ में नहीं आ रहा है, सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए, और सुनने से क्या होगा? समझ में आने लगेगा। बोले कौन है? बोले मैं नहीं मानती है भगवान है। बोले अगर भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। शिव ने कहा देखो देवी ये भगवान है, और इस प्रकार की बातें मत करो कि परीक्षा लोगी, ये करोगी वो करोगी। तो उन्होंने कहा बहुत देवी, भोलेनाथ ने मनाया लेकिन नहीं मानी, है ना? बहुत भोलेनाथ ने मनाया लेकिन नहीं मानी, और बोले ना मैं परीक्षा लूंगी। बोले ठीक है, अगर आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाकर के परीक्षा लेकर के आओ। देवी सती गई। यहाँ पे थोड़ी सी लोक शिक्षा।
भोलेनाथ बहुत अपने पत्नी को मनाने का प्रयास किए कि देखो ये भगवान है, तुम मैं मानता हूं और तुम भी मान जाओ। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगी। ध्यान देना चाहिए कि ये प्रथा बहुत पुरानी है। जब भोलेनाथ अपनी पत्नी को नहीं मना पाए तो हम लोग नहीं मना पाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो देवी सती परीक्षा लेने के लिए गई और सोची कि क्या, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। बोले काम करती हूँ, या सीता के विरह में रो रहे हैं, मैं जाती हूँ, देवी सीता का धारण रूप धारण कर लेती हूँ और इनके पास चले जाती हूँ। अगर यह भगवान होंगे तो मुझे देख करके पहचान जाएंगे, और भगवान नहीं होंगे तो समझ जाएंगे। तो वह गई और जैसे ही भगवान के सामने आई, तुरंत भगवान समझ गए कि अरे देवी सती है। और जैसे ही देवी सती आई तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले अरे भगवान ने प्रणाम क्यों किया? क्योंकि भगवान तो ज्येष्ठ हैं, भगवान तो श्रेष्ठ हैं, तो भगवान ने फिर क्यों प्रणाम किया? तो कहते हैं भगवान ने देवी सती को प्रणाम नहीं किया, भगवान ने माया को प्रणाम किया कि अरे माया तूने सती को भी नहीं छोड़ा, सती को भी अपने चंगुल में ले लिया। भगवान ने इस प्रकार से प्रणाम किया और प्रणाम करते ही कहा कि माते माते आप अकेले इस घने जंगल में क्या कर रही हो? हमारे भगवान, हमारे मित्र, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? अरे बाप रे बाप, इतना सुनना था कि देवी सती का हालत खराब। देवी सती को इतनी लज्जा आई, इतनी लज्जा आई, इतनी लज्जा आई कि कहते हैं कि अगर धरती फटे तो मैं उसमें समा जाऊं, कहां जाऊं पता नहीं। अब देवी सती को कुछ समझ में नहीं आने लगा, चारों ओर चकराने लगी, क्योंकि इधर भागे तो इधर भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता लक्ष्मण का दर्शन, बायां भागे तो इधर, दायां भागे तो उधर, सामने भागे तो सामने, पीछे भागे तो पीछे, दसों दिशाओं में भगवान देवी सीता और लक्ष्मण का दर्शन, लगातार दर्शन, लगातार दर्शन। देवी सती को कुछ समझ में नहीं आया, वहीं पर चक्कर खा करके गिर गई और भगवान अपनी लीला करते हुए आगे निकल गए। कुछ समय के बाद जब आंखें खुली, जब आंखें खुली तो तुरंत अपने पति शिव जी के पास गई। शिव जी ने पूछा, बताइए सब ठीक ठाक तो है, कुशल मंगल? बोले हाँ। बोले जान लिया? बोले हाँ जान लिया। बोले कैसे पता चला? अब देखिए देवी सती कितना बड़ा अपराध कर रही है। आप देख रहे हैं देवी सती कितने सारे अपराध कर रही है, केवल और केवल कथा नहीं सुनने के कारण। अब देवी सती अपराध क्या कर रही है तो क्या कहते हैं? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। हे गोसाई, हे भोलेनाथ, मैं गई और कुछ भी परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं लिया। अरे मुझे अपने आप आपके वचन पर विश्वास हो गया कि मेरे पति कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हैं ये भगवान है तो भगवान ही होंगे। बस मैं गई और आपके तरह उन्हें प्रणाम कर लिया, झूठ बोल रही है, पूरा का पूरा झूठ बोल रही है। अब देखिए देवी सती के कितने अपराध गिनते जाइए। पहला अपराध कुंभज ऋषि को समझ नहीं पाई, एक नंबर। दूसरा उनकी नम्रता नहीं समझ पाई। तीसरा कथा में सो गई। चौथा आधे कथा से उठ करके गई। पांचवा अपने पति के बात को नहीं मानी। छठा भगवान को नहीं पहचान पाई। सातवां भगवान को भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई। आठवां देवी सीता का रूप धारण करके गई। आठ आठ अपराध देवी सती ने किए।
लेकिन आचार्यों ने कहा कि देवी सती के आठ आठ अपराध क्षमा कर दिए गए होते अगर देवी सती अपने पति भोलेनाथ से झूठ नहीं बोलती, उसके सारे अपराध क्षमन हो जाते। लेकिन क्योंकि झूठ बोला, पति से झूठ बोला, अब देखिए क्या होता है। भोलेनाथ समझ गए ना, इतनी सीधी तो नहीं है ये, इतने दिन से तो जान रहा हूं मैं इसे, इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाली है ये, कुछ तो जरूर करके आई है और मेरे को बोल नहीं रही है, जरा देखो तो सही। भोलेनाथ ध्यान करके देखे, ध्यान करके देखे तो देखते अरे देवी सती ने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ध्यान करके देखा तो देखा सती ने सीता का रूप धारण लेकर के राम की परीक्षा लिखी, और सीता मेरी माँ है। अब माँ के साथ पत्नी का संबंध तो नहीं रखा जा सकता। अगर मैं आज से अभी से देवी सती से संबंध रखूं तो मेरा व्रत टूट जाए, मेरा धर्म टूट जाएगा, क्योंकि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है। अब माता के साथ कैसे कोई अपनी पत्नी का संबंध रखे। शिव जी ने मनी मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं सती को त्याग रहा हूं, और उसी समय त्याग दिया। आकाश में देवता प्रकट हुए और शिव जी का एक बहुत बड़ा त्याग, देवी देवता प्रकट हुए और भोलेनाथ के ऊपर पुष्प वृष्टि की। सती ने कहा पतिदेव आपने कुछ सोचा, कुछ ने कुछ किया, ये देवता लोग प्रकट हो गए और पुष्प वृष्टि कराए। नहीं देवी, बताया नहीं कि त्याग रहा हूं। नहीं, इनका तो कभी भी मूड हो जाता है, फूल उल गिरा देते हैं, तुम चलो। और कैलाश लोक में गए, और कैलाश लोक में जाते ही भोलेनाथ को समाधि लग गई। कितने दिन की समाधि लग गई? 87,000 वर्ष। कितने हजार? 87,000। तो कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं यहां पे, बीते संबत सहत 87 तजी समाधो संभ अविनाशी। इस घटना के बाद 87,000 वर्ष तक समाधि में चले गए भोलेनाथ। और फिर 87,000 वर्ष के बाद क्या कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने उसती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष के बाद शिव जी राम नाम का उच्चारण करते हुए गाने लगे, और तब सती को पता चला मेरे पति नहीं जगत पति जगे हैं। देवी सती समझ गई, और उठ करके क्या किया, बहुत सुंदर कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी लोग गाइए भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करिए एवरीबॉडी सभी लोग हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी लोग गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थोड़ा दो मिनट अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान के नाम में नृत्य करते हुए झूमते हुए क्या आप लोगों को यहाँ पे आने से करंट लगती है अगर नहीं लगती है तो इधर आ जाइए डीजे में तो खूब नाचते हैं भगवान की कथाओं में नाचिए सभी लोग एक स्थान पर खड़े होकर के ऐसे अलग अलग गुट बना करके नहीं सब लोग आप लोग भी खड़े हो जाइए और उधर जाकर के भगवान की कथा में भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते हुए नाचिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे झूमते हुए देखिए मैं आपको एक बात बताऊं पद्म पुराण की एक बात बताऊं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन बैठे बैठे करता है तो भगवान उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं
जब कोई व्यक्ति बैठ करके भगवान के हरिनाम संकीर्तन करता है तो व्यक्ति भगवान क्या होते हैं, सामने आकर के खड़ा हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण, भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण खड़े होकर के करता है ना, तो भगवान उनके सामने नाचने लगे। और जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण नाचते हुए कूदते हुए करता है ना, तो भगवान उनके उनके सामने उछल कर खड़े होकर के उछलते हैं और उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके नाचते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लड़के के गांव बड़े दुल्हन की तरह संभमाते हैं। जब किसी गांव में दुल्हन आती है ना, तो सबसे पीछे छुप करके घूंघट लेके बैठे रहती है। वैसे अद्भुत यहाँ के लड़के घूंघट लेके पीछे बैठे, अद्भुत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आप लोगों को नाचने की इच्छा हो रही है, जगह कंजेस्टेड पड़ रहा है, तो पंडाल से बाहर निकल के भी नाच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा फैल हो जाइए, माताओं जी में बहुत कंजेस्टेड हो गया है, थोड़ा सा मदद करो उन लोगों को और नाचने दो। देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने, भागवत के सामने, रामायण के सामने नाचता है, तो उसे जीवन में कभी माया के सामने नहीं नाचना पड़ता है। इसीलिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भजर जोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा जोरे मन गोविंदा। अरे नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा।
देखिए सामने से कुछ लोग तो नाच रहे हैं लेकिन पीछे से नाच नहीं रहे हैं। और मैं कीर्तन करता हूं ना तो उसका भी रूल है कि नाचना होता है कीर्तन में, नहीं तो कीर्तन नहीं करता हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कीर्तन होवे कथा भी होवे तो नाचिए, भगवान के सामने नाचिए, भगवान की कृपा बरस रही है, नाचिए। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा, 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 जोरे मन गोविंदा बजोरे मन गोविंदा, जोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 जैसे जैसे तारों में चंदा बजोरे मन गोविंदा, जैसे नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। हरि 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 बोल। सब देवे सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, 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 जैसे जैसे तारों में चंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 बजोरे मन गोविंदा। बैठ जाइए। हरे कृष्णा हरे नाम संकीर्तन के जय। तो भोलेनाथ
ध्यान में बैठ गए। राम नाम का सुमिरन करने लगे और लगे कहन हरी कथा रसाला। कौन से कथा कहने लगे? हरी कथा, भगवान की दिव्य कथा कहने लगे। जूम करो और अपने साइड दबाओ, जूम करो उसको, बार बार एक ही चीज क्यों बोलो। तो अब हो गया कीर्तन, हो गया अब कथा सुनना है। कीर्तन के समय तो कीर्तन नहीं करते ही, कौन सा दिव्य कीर्तन शुरू होता है आपका मेरे कीर्तन खत्म होने के बाद। एक दो वायरलेस माइक उधर भी फेंक दिया करो, पता चले कौन सा दिव्य कीर्तन हो रहा है। थोड़े ऐसे कीर्तन का भी आनंद लिया जाना चाहिए। तो भोलेनाथ बहुत दिनों के बाद जगे, 87,000 के बाद राम नाम का सुमिरन करने लगे और लगे कहन हरी कथा रसाला, भगवान श्री हरि की कथा कहने लगे। बहुत सुंदर, सती को आसन दिया, जैसे आप लोग बैठे हुए आसन पे वैसे ही आसन पर देवी सती बैठी और भगवान भोलेनाथ उच्च आसन पर बैठे और कथा कहने लगे। अकेले को कथा कह रहे हैं, कथा सुनने देखिए एक व्यक्ति भी हो तो काफी है, लेकिन वह श्रोता कैसा होना चाहिए मालूम? देवी सती की तरह, देवी पार्वती की तरह, परिचित महाराज की तरह ध्यान पूर्वक कथा सुने, जिज्ञासा प्रस्तुत करें, है ना? ऐसा नहीं आज क्या बना के आई हो, कितना किलो महुआ बिछाया, कल वाले पे कोई गाड़ी चढ़ा दिया था, सुखने दिए थे, मैंने ही गाड़ी चढ़ाया था, दो बार चढ़ा था। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, अथवा अरे कल आएगी कि नहीं आएगी, आना ही है, 7 दिन तक तो आना ही है, घर के कार्य तो फिर होते ही रहेंगे, किर्र आवाज करते रहेगा, किर्र किर्र आवाज नहीं कर रहा, किर्र हो सकता है जनरेटर से, जनरेटर से, ठीक है। अद्भुत, पहली बार देख रहा हूं। तो भगवान भोलेनाथ राम कथा कहने लगे और उसी समय कहते हैं एक अद्भुत घटना घटी। आवाज और बढ़ रही है, देखो जनरेटर ज्यादा बढ़ रहे हैं क्या? अरे मेरे से तो इसकी आवाज ज्यादा हो गई, थोड़ा कुछ व्यवस्था करो आप लोग, थोड़ा पहले आकर के सब सेटअप किया करो, कथा में डिस्टर्ब होना सही बात नहीं है। इधर से गायब हुआ, इधर आ रहा है, देखो अभी इसमें आवाज ही नहीं है, तो उसका उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। क्या घटना हुई? देवी सती ने देखा थोड़ी देर पहले नहीं हो रही थी, का एक होने लगा है, कहीं तार से तार होगा, हो जाएगा, तार स्पार्क हो रहा है कहीं पे ऐसे। तो कहते हैं कि उस समय एक अद्भुत घटना घटी। क्या घटना हुई कि देवी सती ने देखा कि कुछ विमान एकाएक कथा चल रही थी और जैसे आपका हेलीकॉप्टर चल रहा है घर करते हुए, वैसे ही कुछ हेलीकॉप्टर ऊपर से पार होने लगे एकदम सजा सजा करके, सभी देवी देवता, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे देवी देवता जा रहे थे। देवी सती के मन में हुआ आखिर क्या हो रहा है, एकाएक ऐसा कैसे? तो घटना ये हुई थी
कि जब ये घटना हुई उससे पहले शिव जी एक बार दक्ष प्रजापति के सभा में पहुंचे थे। दक्ष प्रजापति आप लोग जानते हैं, दक्ष प्रजापति उनकी सभा में पहुंचे थे। दक्ष ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था, एक मीटिंग बुलाया था। होता है ना, प्रजापति हैं तो प्रजा का पालन करने के लिए कुछ नियम बनाने के लिए एक मीटिंग कराया और उस मीटिंग में सभी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, इंद्र को बुलाया, बहुत लोगों को बुलाया, समस्त ऋषि मुनियों को बुलाया और भोलेनाथ को भी बुलाया था। सभी को बुलाया था, सब लोग गए थे। बहुत सुंदर सभा लगी थी और उसी समय एकदम सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष प्रजापति उस सभा में आए। और जब आए तो सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। ये नियम है कि जब कोई वरिष्ठ, कोई भक्त, कोई वैष्णव, कोई साधु हमारे बीच आवे तो मैं अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए, या कोई राजा हमारे स्थान पर आवे तो खड़ा होना चाहिए। तो वह सब लोग खड़े हुए, लेकिन भोलेनाथ से गलती हो गई। छोटी सी गलती, बहुत बड़ी गलती नहीं हुई कि वह अपने स्थान पर खड़े नहीं हो पाए। अब ध्यान नहीं दिए होंगे, भूल गए होंगे, अलग बात है। बहुत बड़ी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती नहीं थी। अगर आप तत्व से देखा जाए तो तत्व से भोलेनाथ दक्ष प्रजापति से बड़े हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से दक्ष बड़े हैं, क्योंकि ससुर जी हैं, है ना, ससुर हैं, दामाद हैं भोलेनाथ, तो उनको खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं खड़ा हो पाए। कोई बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इस संसार में जिसको बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाता है, श्रीमताम, जिसको धन प्राप्त हो जाता है, जिसको पोस्ट पद प्राप्त हो जाता है, जो महान बन जाता है, उसमें उसको हर एक में केवल गलती ही दिखती है, केवल गलती ही गलती दिखती है, और अपने में कोई गलती नहीं दिखती है। सब में गलती और अपने में कोई गलती नहीं। तो उस समय दक्ष प्रजापति ने देख लिया। अब भाई हजार लोग, लाखों लोग खड़े हैं, ठीक है, एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ तो कहां से दिख गया। लेकिन जिसको घमंड हो जाता है ऐसा ही होता है इस संसार में। प्रूफ है, जब जब व्यक्ति को धन प्राप्त हुआ, पद प्राप्त हुआ, वो घमंडी हो ही जाता है। तो अब देखिए ना, इंद्र पहले बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें स्वर्ग का राजा बनाया गया तुरंत अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। चंद्र, चंद्र बहुत अच्छा थे, सोम जिनको कहते हैं, बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें समस्त वनस्पतियों का राजा बनाया क्या किया, अपनी गुरु पत्नी का ही अपहरण कर लिया। महाराज नृप बहुत सुंदर राजा हो गया, और जब स्वर्ग का कुछ दिन के लिए इंद्र हट गए थे, पोस्ट खाली हो गया, तो नृप को वहां का राजा बना दिया। लेकिन जैसे ही नृप राजा बना तुरंत इच्छा हुई क्या, इंद्र की पत्नी को लेकर के भाग जाऊं। यही होता है इस संसार में, जैसे ही पोस्ट मिला कि व्यक्ति तुरंत घमंड हो जाता है, मान बढ़ जाता है। तो दक्ष प्रजापति बहुत बड़े, बहुत अच्छे थे, यही देख करके ब्रह्मा जी ने उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सोच करके दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने राजा बनाया कि नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरे प्रजा का पालन करेंगे। तो राजा बन गए, और राजा बनने के बाद जब मीटिंग किया, सब लोग आए, भोलेनाथ नहीं आए, तो पोस्ट का इतना अभिमान हुआ। जैसे ही गए अपने मंच पर पहुंचे और माइक वाले से बोला, माइक लाओ इधर, अनुमोदन करने के लिए कोई और लोग थे स्वागत करने के लिए, बोलो छोड़ो बाद में अनुमोदन होगा, पहले मेरे को बोल ले। देखिए ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, ये कथा रामायण में भी है। ऐसा नहीं आप लोगों के मन में हो सकता है ये तो भोलेनाथ की कथा सुना रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं मैं रामायण में प्रवेश करने से पहले ये एक प्लेटफॉर्म, और उसके बाद अगर राम कथा में पहुंचेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर पता चलेगा पता नहीं भगवान राम कहां से आए, कौन थे, समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं,
ये कथा कितना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए कि ये कथा रामायण में भी है, भागवतम में भी है और शिव पुराण में भी है। तीनों जगह इस कथा का वर्णन, कितना महत्वपूर्ण होगा, इसलिए यह कथा है। तो बोले ना तो सोचिए, क्षमा चाहूंगा, दक्ष प्रजापति ने कहा सब लोग साइड हट जाओ, माइक लिया, मान लो ऐसा वायरलेस माइक ही होगा कुछ भी, हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। अब भोलेनाथ बस दक्ष प्रजापति के, अब दामाद है, दामाद है तो क्लोज है, तो क्लोज है तो जस्ट दक्ष प्रजापति के आसन के बाएं साइड में नीचे ही बैठे थे। दक्ष प्रजापति माइक लिया और बोलना शुरू किया, बोले ये देखो, ये शिव, ये मेरा दामाद है, देख लो इसको, देख लो, इतनी भी बुद्धि नहीं है किसी महान को देख कर, किसी वरिष्ठ को देख कर, अपने ससुर जी को देख करके दो मिनट के लिए खड़ा होना चाहिए, लगे अपमान करने के लिए। कहते हैं संसार के लोग अपने शरीर पर परफ्यूम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ये शमशान की राख लगाता है, भस्म लगाता है, उठता बैठता कोई भले आदमी के संग नहीं, भूतों के साथ बैठता है। सभा ने सभी ने कहा, अरे किसी ने कहा होगा मान लो, कह रहे जब इतना बुरा है तुम जानते थे तो क्यों शादी करा दी अपनी बेटी का, देख सुनकर करना चाहिए लड़का, किसी से भी शादी करा दी। बोले अरे मैं तो जानता ही था कि ये बिगड़ा हुआ है, ये मेरा बाप ब्रह्मा बैठा है इधर देखो, इसी ने बोला कि शादी करा दो, शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने की बात तो दूर, ये तो और बिगड़ रहा है। दक्ष प्रजापति इस प्रकार से बहुत बोले, मेरी बेटी देखो राजमहल में पड़ी बड़ी, लेकर के गया बरगद के पेड़ के नीचे रखता है, आज तक एक झोपड़ी नहीं बनाया। मैंने कहा अरे मेरा गाड़ी ले लो, नहीं गाड़ी खरीद सकते, मेरी गाड़ी ले लो, लेकिन नंदी के ऊपर बैल के बैल ऊपर बिठा करके घुमाता है, बताओ ऐसा कोई करता है अपनी पत्नी के साथ, भूतों के साथ उठता बैठता है, झोपड़ी तक। दक्ष प्रजापति ने बहुत बहुत अपमान किया, सरस्वती देवी जी शिव का अपमान सहन नहीं कहे कर सकी और सभी शब्दों का सारस्वत अर्थ किया गया, अर्थ बदलते हुए उनको रखा गया, जिसका वर्णन अन्य अन्य आचार्यों ने अन्य अन्य टीकाओं में किया है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने भी किया है, श्रीधर स्वामी की टीका में भी इसका वर्णन किया गया है। समय तो नहीं है कि इन टीकाओं को लिया जा सके, बस अभी इतना समझ लीजिए कि दक्ष ने बहुत क्रोध किया और दक्ष के द्वारा क्रोध किए जाने पर शिव जी तो सहन कर लिए। शिव जी का नाम है वैष्णवानाम यथासंभु, शांत है, शांत की भूमि है, करुणा के अवतार हैं, तो शिव जी ने तो सहन कर लिया, लेकिन शिव जी के साथ जो उनके पार्षद बैठे थे ना नंदी आदि, वह सहन नहीं कर पाए और नंदी ने श्राप दे दिया, बोले ये दक्ष, ये दक्ष के जितने अनुचर बैठे हैं ये सब पाखंडी हो जाए। दक्ष तो चले गए लेकिन उनके अनुचर भृगु ऋषि इत्यादि वहीं बैठे थे। भृगु ने कहा अरे ना लेना ना देना, ये हमको श्राप क्यों दिया रे, ना तेरे मैंने तू कुछ तुझे कुछ बोला ना मैंने कुछ किया और हमें क्यों श्राप दे रहे। भृगु ऋषि ने कहा मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के ज्ञान वेद विहित कर्म करने लगे। अब ये लोग एक दूसरे के ऊपर श्रापा श्रापी करने लगे, है ना, आजकल भी लोग घर लड़ते ना घर में, तुमको ये हो जाए, तुमको वो हो जाए, तुमको वो हो जाए, ऐसा लड़ते हैं ना माताएं जनरली ऐसी लड़ती है, तुम्हारे वो हो जाए। अभी बहुत आवाज करने लगा पिता ने, तो उस समय श्रापा श्रापी होने लगा। भोलेनाथ ने देखा कि अब यहाँ पर कुछ देर और रहूंगा तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो भोलेनाथ अनर्थ हो जाएगा, सोच लिया कि यहाँ रुकूंगा तो अनर्थ होगा। तुरंत नंदी को लिया और वहां से चल दिए। शिव जी घर आए, फिर इस प्रकार से राम कथा श्रवण करने के लिए गए, जो पुनः गए थे वहां से आए और 87,000 की समाधि लग गई।
शिव जी ने ये सारी बातें जो दक्ष प्रजापति के मीटिंग में हुई थी, ये सारी बातें बताया नहीं था देवी सती, बोला बताऊंगा, बाप है दुखी हो जाएगी, छोड़ देता हूँ, नहीं बताया, तो नहीं बताया। अब आइए पुनः कथा को लिंक करते हैं। उसके बाद भोलेनाथ गए थे इधर राम कथा सुनने के लिए, राम कथा सुन के वापस आए, देवी सती का त्याग हुआ और 87,000 साल के बाद इनकी समाधि टूटी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, इनकी आंखें खुली, देवी सती को राम कथा सुनाने के लिए बिठाए हैं और ऊपर से ये विमान जा रहे हैं, है ना? तो घटना ये हुई, जब ये अपमान हो गया तो दक्ष प्रजापति अंदर ही अंदर चल रहा था, बोले ये अद्भुत अद्भुत म्यूजिक करता है आपका म्यूजिक सिस्टम, पहले पता होता तो इनको बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक कवर करके रखा है। दक्ष प्रजापति भोलेनाथ का अपमान करने के लिए एक स्पेशल यज्ञ का आयोजन किया। देखिए इस संसार में जब भी किसी आध्यात्मिक कार्य, किसी यज्ञ, किसी कथा का आयोजन होवे ना, तो वह क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? परमार्थ के लिए, अपनी उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। लेकिन यहां पर क्यों किया गया? क्यों किया गया? भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए, है ना? बहुत बड़े यज्ञ का नाम निर्माण किया और उसका नाम लिखते हैं, है ना, मैत्रेय मुनि। ठीक हो गया, अब छोड़ दो, मत कुछ हुआ, बंद हो गया बस, देखो। तो बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ का नाम मैत्रेय मुनि भागवत में कहते हैं क्या था? बृहस्पति शव यज्ञ। कौन सा? कल का होमवर्क है, याद रखिएगा, मैं पूछूंगा कौन सा यज्ञ हुआ? बृहस्पति शव यज्ञ। समस्त लोकपाल, समस्त गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, देवता, सबको निमंत्रित किया, सबको निमंत्रण दिया। सोचा था सबको बुलाऊंगा और शिव को ही नहीं बुलाऊंगा, तब पता चलेगा उसको मेरा अपमान करने का क्या फल होगा। और सबको इनविटेशन कार्ड भेजा और इनविटेशन कार्ड के नीचे नोट में रेड अक्षर में बोल्ड करके मोटा मोटा करके लिखा था, आप लोग विथ फैमिली मेरे यज्ञ में जरूर आइएगा, है ना? और उसके नीचे हाईलाइट करते हुए लिखा था, मानता हूं थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ेगा लेकिन जब आए ना तो कैलाश होते हुए आइएगा, ताकि सबको पता चले कि सबको बुलाया हूं, खाली उसको ही नहीं बुलाया हूं, शिव को ही नहीं बुलाया। तो ये लोग, अब देवता लोग भी तो कपटी ही होते ना, उन्हें बड़ा मजा आता है दूसरों को मजाक उड़ाने में, है ना? तो वे लोग बड़ा आनंद से बोले, अच्छा भोलेनाथ को नीचे दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। तो हेलीकॉप्टर उड़ाए और हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए इधर से ही जाने लगे। बंद करो भाई, अरे आपका नहीं उड़ा रहे, यहां से उड़ा रहे। तो यह हेलीकॉप्टर सब जा रहे थे, विमान सब जा रहे थे, देवी सती ने कहा नीचे आओ, एक हेलीकॉप्टर को उतारा, किधर जा रहे हो? बोला अच्छा आपको नहीं पता, क्या पता कहाँ जा रहे हो, बताओ, ज्यादा उछलो मत, है ना? अब भोलेनाथ की पत्नी है तो थोड़ा पावरफुल तो होंगी ना, ज्यादा उछलो मत, बताओ कहाँ जा रहे हो। ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ, हमारे हमको बुलाया है, बाजू वाले को नहीं बुलाया, तुम लोग जाके बोलते तुमको नहीं बुलाई है, अरे हमको तो बुलाया है, बगल वाला जले इसके लिए, तो जलाने के लिए, आपको नहीं पता आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, नहीं पता आपको, नहीं बुलाया क्या? देवी सती कहते नहीं नहीं बुलाया तो है लेकिन क्या इतना काम इन होता है, गणपति उसमें तो आए नहीं थे, बोले इतने सारे भूत होते हैं, इन सब का ध्यान रखना होता है, पति देव का ध्यान रखना, भूल गई अभी याद हो गया, अभी जाऊंगी, तुम लोग जाओ, मैं तो आ ही रहा हूँ, मेरा तो घर ही है, चले गए। तो अब ये देवी सती सीधे भोलेनाथ के पास,
अजी सुनते हो? बोलो बोलो। मेरे पिताजी के घर पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा जानता हूं। बोले जानते हैं फिर भी यहां बैठे हुए, चलिए हमें जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले जहां से बुलाया नहीं जाए वहां पे नहीं जाना चाहिए। देवी सती ने कहा, बहुत सुंदर से दृष्टांत दिया कि ऐसे यज्ञों में, भगवत कथा में, राम कथा में, अपने पिता के घर, अपने माता के घर, अपने दोस्त के यहाँ पे बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है मानता हूं, लेकिन कब? जब भूल से नहीं बुलाया हो, लेकिन जब जान करके नहीं बुलाया हो तब ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाया जा सकता है। जब निमंत्रण देने भूल गए हो तो ठीक है, पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर जान करके ही नहीं बुलाया तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने कहा नहीं जाना है। सती ने कहा नहीं जाऊंगी, नहीं जाना है जाऊंगी, नहीं जाना है जाऊंगी। बस लास्ट में वही जो कॉमन डायलॉग है, आज तक हम जो बोले आप किए हैं कभी? मैं तो जाऊंगी। बहुत सुंदर बोला, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो बोले अगर नहीं जाने दोगे तो ये रही जहर की डिब्बी, अभी इसे पी लूंगी और मर जाऊंगी। अब भोलेनाथ ने सोचा, ध्यान करके देख लिया था कि वहां जाएगी तो शरीर त्याग देगी, तो बोले अगर वहां जाएगी तो भी मरेगी, अब यहाँ रहेगी यहाँ भी मरेगी, अब अगर यहाँ मरी तो इसका बाप ऐसे ही मेरे ऊपर इतना खार खाया हुआ है दहेज का, किस ठोंक देगा मेरे ऊपर, इससे अच्छा वहीं जाके मरे। बोले ठीक है तैयार हो जा। देवी सती गई, अपने कपड़े पैक करने लगी, कपड़े पैक कर रही है, पैक कर रही है, बीच बीच में भोलेनाथ से पूछती है, अजी आप चलेंगे तो दो चार सेट कपड़े अभी भी मैं पैक कर दूं, आपकी भी पैक कर दूं? नहीं नहीं तुम जान, देख लो मैं अभी तक तैयार नहीं हुई, आप कहो तो दो चार सेट आपके भी डाल देती हूँ। नहीं तुम जाओ। देवी सती तैयार हो गई, नंदी को बुलाया, जाओ थोड़ा छोड़ करके आओ, नहीं तो इसका बाप बोलेगा कि देखो गाड़ी भी नहीं भेजता है, भेज क्या। तो रामायण कार कहते हैं नंदी सती को छोड़ने के लिए गए कहां, यह यज्ञ कहां हो रहा था? हाँ, दक्ष राजा के यहाँ। कहां पे स्थान? हरिद्वार। कहां पे? हरिद्वार कणखल में। ठीक है, आप अगर कभी हरिद्वार जावे तो वहां पे देखिएगा, कनखल कनखल में यज्ञ हो रहा था। सती पहुंची है यज्ञ में और देखती है यज्ञ में सब लोगों को, छोटे से छोटे लोगों को चुन चुन करके बुलाया था, मतलब मामा के, फूफा के, फूफी के, चाचा चाची, काका काकी, सबको बुलाया, सबको बुलाया। बोले रे अगर मेरे पिताजी को इतना याद था तो केवल हम लोग दोनों छूट गए, चुन चुन कर, खोज खोज कर मेरे पिताश्री सबको बुलाए हैं, खाली हम ही दोनों कैसे छूट गए। सती ने पूछने का प्रयास किया, अपने उनकी जो और भी बहनें थी उनसे पूछा, लेकिन कोई बताए नहीं। सती सीधे अपनी माता प्रसूति के पास, सती के माता का नाम पति प्रसूति था, का माता सच सच बताओ आखिर बात क्या है, दुनिया के छोटे से छोटे लोगों को बुलाया और हमें ही छोड़ दिया। देवी प्रसूति बहुत सुंदर कहने लगी, बेटा बेटा पिछली बार जब यज्ञ था ना, बेटा जब पिछली बार यज्ञ हुआ था उस समय
रामायणकार लिखते हैं कि उस समय हजारों हजारों लोगों के बीच में सती उच्च आसन पर खड़ी, उच्च आसन पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर के और खड़ी होकर के सभी सभासदों का, जैसे उन्होंने अपने ऊपर ध्यान आकृष्ट कर लिया साइकिल गिरा करके, वैसे ही देवी सती बीच सभा में खड़ी हो गई, उच्च आसन पर खड़ी हो गई और आसन पर खड़ी होकर कहने लगी, सुना हूं सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जी नहीं शंकर ही निंदा, सुना हूं सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जी नहीं शंकर ही निंदा। सभी सभासदों को ललकारते हुए सती ऐलान करती है, क्या कह रही है, कहते हैं सभासदों कान खोल करके सुनो, जिस किसी ने शंकर की निंदा की है और जिस किसी ने उस निंदा को सुना है, इन सब का पतन होगा, इन सब का पतन होगा। कहने कहने सो फल तुरत लभ सब काहू, भली पांति पछिताव पिता। शिव जी का अपमान करने वाले का पतन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और उस समय आपके हाथ में मात्र और मात्र पछतावा होगा कि शिव जी का निंदा नहीं किया होता तो अच्छा था। सती कहती है, शिव जैसा वैष्णव इस दुनिया में कोई नहीं है, शंकर जैसा वैष्णव भक्त कोई इस दुनिया में नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा भक्त ऐसा वैष्णव पूरी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जो शिव जी जैसे वैष्णव का अपमान अपने मुख से करता है और अपने कानों से सुनता है, उन सब का अपराध। मैं थोड़ा सा आपको यहां पे शिक्षा दे दूं। आज एक हमारे समाज में बड़ी ही गलत रीति फैल चुकी है। क्या है वह गलत रीति? कि दिन रात भोलेनाथ का अपमान किया जाता है और वही अपमान को हम बड़े बड़े भोंपू लगा करके, बड़े बड़े डीजे लगा करके सुनते हैं। ध्यान रखिए, ये भोलेनाथ का बहुत बड़ा अपमान है इस प्रकार के गाने बनाना, भांग खाए भोला हमारो हो या गांजा पिए, इस प्रकार के घटिया गाने गाने वाला को तो पतन होगा ही, उनकी क्या स्थिति होगी वो आप छोड़ दो, लेकिन जो इस प्रकार के गाने को बजाता है, सुनाता है लोगों को, और जो लोग सुनते हैं उनका भी अपराध है, उनका भी पतन है। बचिएगा, कभी भी ऐसे गाने जीवन में मत सुनिए जिसमें भोलेनाथ का अपमान हो। भांग खाए भोला, और क्या क्या बोलते हैं, देवी पार्वती भांग पिस रही है, मजाक है। और हम अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, सनातन कहते हैं ना, हमें एक क्या कहते हैं उसको, एक थोड़े से पानी लेकर के नाक डाल के उसमें मर जाना चाहिए, थोड़ा सा पानी लेकर के सर मारनी चाहिए। मैं जब सुनता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है ऐसी चीजों को जब सुनता हूँ। तो पढ़ते तो है नहीं, बस मजाक के लिए कुछ भी बना दिया और हम लोग धार्मिक हैं। देखो भोलेनाथ के गाना बना, अरे गाना नहीं वो गाली दे रहे हैं भोलेनाथ को, ध्यान रखो वो गाना नहीं गाली है। बचिएगा, आज कह रहा हूं, आज के 50 साल बाद 60 साल बाद अब अनुभव करेंगे, क्योंकि जब जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे ही। जब भोलेनाथ के गंदे गंदे गाने बजा रहे थे तो तू नाच रहा था बेटा, चार डंडे मार इसके पांव में और तोड़ दे, नरक में मारा जाएगा, यमराज जी मारेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए बचिएगा ऐसे गानों से। भोलेनाथ कभी भी शराब गांजा
भांग ये सब चीजों का सेवन नहीं करते, कभी भी कतई नहीं करते हैं, कतई नहीं करते हैं। शिव पूछो उन गाने बनाने वालों से, शिव पुराण में पढ़ा है, लिखा है शिव पुराण में कहीं पर है? और मैं चैलेंज करता हूँ जिन्होंने जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आप लोग अगर शिव पुराण पढ़े हैं तो बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है कि भोलेनाथ भांग खाते हैं। दिखा दीजिए मैं देखूं थोड़ा कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा, ना शिव पुराण में, ना रामायण में, ना भागवत में। हाँ भांग तो नहीं पिया, बनते तो हैं ये भोलेनाथ के भगत, भांग खाएंगे प्रसाद रूप में। भोलेनाथ ने भांग नहीं खाया, भोलेनाथ ने जहर जरूर खाया था। अगर वास्तव में भोलेनाथ के भगत है ना, थोड़ा सा जहर पी करके दिखाओ, देखो कितना बड़ा भगत है तू ना। एक्चुअली करना क्या होता है, हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है, भोजन करना है हमें, भांग खाना है हमें, गलत चीज करना है हमें, बिल किनके नाम का, भोलेनाथ का नाम का फाड़ते हैं, बचिएगा। और ऐसे गाने वालों, गाना बनाने वालों के ऊपर भी FIR होना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भक्तों आज की देश की व्यवस्था बिगड़ी है, कुछ भी लोग कर रहे हैं और इस प्रकार से ऐसे आपको लगता है कि ऐसे गाने सुन करके भोलेनाथ वहां पे रहेंगे? आप भी थोड़ा विचार करिए ना। अब मान लीजिए वरुण जी हैं, आप भांग खाते, गांजा पीते, दारू पीते, नहीं पीते, नहीं पीते। अब हम लोग कोई गाना बना दें आपके ऊपर है? और बजावे खूब साउंड दे दे करके आपके घर के पास, तो आप वहां रहेंगे? नहीं, ये तो अपमान हो रहा है मेरा, ये क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है। कोई अगर हमें गाली देवे तो आप वहां रहेंगे क्या? ये तो गाली ही हो गया ना। जैसे हम लोग चाय भी नहीं पीते हैं, अब हमें हमारे ऊपर कोई बनावे कि अरे ऐसा गांजा पी रहे, ऐसा भांग पी रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे ना, क्योंकि वह तो हमारे लिए गाली से भी नीचे है। तो वैसे ही सोचिए भोलेनाथ वहां पे कैसे विराजते होंगे, थोड़ा सा विचार करो मन में। कतई ऐसे गाने मत बजाना, बजाया बजाया छोड़ो। आज ज्ञान हो गया, जब तक ज्ञान नहीं होता है ध्यान रखिए तब तक वह पाप होता है, और पाप को क्षमण करने की विधि है। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाए और पुनः उस कार्य को हम करें तो वह पाप नहीं, वह अपराध होता है, और अपराध को काटने की विधि कहीं पर भी कोई शास्त्र में नहीं बताया गया। बचिएगा ऐसे भद्दे गाने सुनने से, बचिएगा। उन्हें तो पैसे मिलते हैं और आपको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। इसलिए कभी भी ऐसे गाने मत सुनिएगा। अब देखिए ऐसे लोगों का क्या फल होगा, देखिए। भोलेनाथ ने वहां भी तुरंत फल नहीं दिया। अब बोलेंगे कि प्रभु जी भोलेनाथ के पास तो त्रिशूल है, तुरंत निकले और जोग से गाने गा रहे हैं, धड़ाम धड़ाम करके मार रहे ना। भोलेनाथ तो शांत है, अरे ठीक है जो करना है करो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके अनुचर बड़े टाइट हैं। भोलेनाथ और यमराज जी दोस्त हैं, ध्यान रखिएगा। महाभागवत द्वादश महाभागवतों में भोलेनाथ भी हैं और यमराज जी भी हैं, दोनों मित्र हैं। और एक मित्र का अपमान एक मित्र सह नहीं सकता है भक्तों। जाना तो पड़ेगा यमराज जी के पास, उस समय निकलेगा। इसने 40 घंटे भांग खाए भोला हमारो सुना है, 40,000 डंडे मारो तो इसके पांव में मार। बचिएगा, बचिएगा। अब देखिए ऐसे लोगों की क्या होती है। सती ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। हे मुनियों, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग सुनिए, इस सभा में बैठे हुए जिस जिसने भी शिव का अपमान किया है अथवा शिव के अपमान को अपने कान से सुना है, सबको सजा मिलेगी, तुरंत नहीं मिलेगी। शिव जैसे वैष्णव का अपमान किया है, सबका पतन होगा, कोई संदेह। और उस समय आपके हाथ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा। आज आपको बता दिया, उस समय आपके पास भी पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सती
सती कहती हैं, अरे शिव जैसा वैष्णव इस दुनिया में कोई नहीं है, शंकर जैसा वैष्णव इस दुनिया में कोई नहीं, और शंकर जैसे भक्त का वैष्णव का अपमान करने वाले का स्वयं का तो पतन होगा, लेकिन जो शिव जैसे वैष्णव का अपमान अपने कानों से सुनता है उसका भी पतन होगा। सती ने यहां तक कह दिया कि यदि किसी सभा में इस प्रकार का अपमान हो रहा हो भोलेनाथ अथवा अन्य देवी देवताओं का अथवा किसी भक्त का, तो अगर अगर ताकत हो तो अपमान करने वाले की जिह्वा खींच लेनी चाहिए, जिह्वा खींच लेनी चाहिए, और अगर ना कर सके तुरंत उस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए तुरंत, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। सती ने कहा, आप लोग क्या समझते हो, मेरे पिताजी कहते हैं कि शिव जी अपने अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। अरे भस्म क्यों लगाते हैं आप जानते हैं? शिव जी दिखाना चाहते हैं इस जगत पर कि सजा लो जितना सजाना है अपने शरीर को, लेकिन एक दिन होना तो इसको भी भस्म ही है, दिखाना चाहते हैं जगत को, सिद्धांत प्रस्तुत करना। शिव जी ने कहा, मेरे पिता ने कहा कि शिव ने कभी तक झोपड़ी नहीं बनाई, अरे मेरे पति जैसा आदमी इस दुनिया में और है कहां बताओ, अरे आप विचार तो करो, यदि कोई मेरे पति को प्रसन्न कर ले तो उसे सोने की लंका दान में डोनेशन में दे देता है, तो जो दूसरों को दान में सोने की लंका दे दे क्या वो अपने लिए झोपड़ी नहीं बना सकता, थोड़ा विचार तो करो। हे सभासदों, ये तो उनका वैराग्य है, सिंपल लिविंग, ये उनका सिद्धांत है। मेरे पिता कहते हैं किसी भूतों के साथ रहता है, हाँ रहता है, मालूम है क्यों? क्योंकि वह देखते हैं कि जगत में जगत के लोगों का उद्धार करने का तो बहुत सारे नियम है, लेकिन भूतों का उद्धार करने वाला कौन? तो मेरे पति उनके साथ रहते हैं, उनको समझाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं कि एक ना एक दिन ये लोग सुधर जाएंगे और भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे, आप लोगों का पतन होगा। जिसने भी शिव की निंदा अपने मुख से सुनी है, कान से सुनी है, मुख से करी, सबका पतन होगा। हे भृगु मुनि, अनेकों लोगों को ललकारते हुए, हे ऋषि मुनियों, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं, इतने अनुभवी हो आप लोग, इतना भी ज्ञान नहीं, मेरे पिता को कोई रोक नहीं पाए, जब ये दक्ष प्रजापति का अपमान कर रहे थे तो आपको रोकना चाहिए था ना, क्यों नहीं रोका, बल्कि आपने सुना, आपने सुना, और ये सत्य बात है। भगवान और उनके भक्तों से जो द्वेष करता है ना, जो वैष्णवों का अपमान करता है ना, उसके लिए अमृत विष बन जाता है, पिता यमराज बन जाता है और माता वैतरणी बन जाती है। इसलिए बचिएगा कभी भी भक्तों का अपमान नहीं। सती ने कहा सबको फल मिलेगा, सबको फल मिलेगा, और मुझे घृणा हो रही है, मेरे शरीर पर अब मुझे घृणा हो रही है कि मैं दक्ष की पुत्री हूं, मैं दक्ष की पुत्री हूं, यह शरीर मुझे दक्ष से प्राप्त है, मुझे घृणा हो रही है इस शरीर पर, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने शिव जैसे वैष्णव का अपमान किया, अपराध किया, इसलिए मैं अब इस शरीर को टिकाने योग्य नहीं समझती। और उसी समय सती के हृदय से योगाग्नि प्रकट हुई और उनकी शरीर की अग्नि प्रकट होते ही उनका शरीर भस्म हो गया, अपने शरीर को त्याग दिया, सती ने प्राण त्याग दिया, सभा सद में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, शोक छा गया। उस समय ये सारी खबरें वायु वेग से तुरंत फैल जाती थी, बहुत सारे न्यूज चैनल तो नहीं होते थे आज तक सबसे तेज, ऐसा नहीं, लेकिन उस समय नारद जी बहुत तेज हुआ करते थे। नारद मुनि कैलाश में गए, कैलाश जी कैलाश में जाकर के कहा आप यहाँ कीर्तन कर रहे हो और वहां पर दक्ष प्रजापति की अग्नि यज्ञ में तुम्हारे पत्नी ने आत्मदाह कर लिया।
इतना सुनते ही शिव जी बड़े क्रोधित हो गए और अपने जटा को तोड़ करके उसे कैलाश पर पटका और बहुत बड़ा विकराल पुरुष प्रकट हो गया। रामायणकार ने कहा, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। सकल सुरन विधिवत फल दीना, जाग्य विधान जाय तीना तीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। शिव जी ने एक विकराल पुरुष वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र विकराल पुरुष जिसका मस्तक आकाश को छू रहा है। वीरभद्र के हजारों भुजाएं बादल के समान श्यामवर, सूर्य के समान चमकते हुए लाल लाल तिल नेत्र, भयंकर जबड़े, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल बाल, गले में नरमुंडों की माला। नरमुंडों की माला, भुजाओं अनेक और अनेक भुजाओं में वीरभद्र अनेक अनेक हथियार धारण किए हुए। शिव जी ने आदेश दिया, जाओ और दक्ष की यज्ञ का विध्वंस करो। और उस समय जिस जिसने जैसा जैसा अपराध किया है उसको वैसी वैसी सजा दो। उस समय वीरभद्र महादेव के तीन परिक्रमा करके वहां से निकले। शिव जी के अन्य रुद्रगण ने कहा, हम भी जाएंगे, आखिर हम किस दिन काम आएंगे, हम भी जाएंगे हमारे स्वामी का बदला लेने के लिए। समस्त रुद्रगण ने सोचा, भोलेनाथ ने यह शरीर दिया है और भोलेनाथ के लिए ही इसे यूज करना है। अगर हम युद्ध करते करते जीत गए तो हमारे स्वामी हमें मेडल देंगे, और हार गए तो शहीदों में हमारा नाम अमर हो जाएगा। ऐसा वर्णन है। वीरभद्र इस पूरी सेना को लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भवन प्रवेश किए। कुछ गणों जैसे ही प्रवेश किए, कुछ गण यज्ञ को, यज्ञ के मंडप को नष्ट कर दिए, कुछ गण सभा मंडप को गिरा दिए, कुछ गण हवन मंडप के तोड़ दिए, कुछ गण यजमानों के रहने के स्थान को खोद दिए, कुछ गणों ने पाकशाला को नष्ट कर दिया, कुछ गणों ने यज्ञ के बर्तनों को तोड़ दिया, कुछ गणों ने यज्ञ को बुझा डाला और कुछ गणों ने यज्ञ कुंडों में पिशाब कर दिया। अब तो ये गण है, इन्हें क्या पता, कर दिया पिशाब कर दिया। कुछ गण मुनियों को पीड़ा पुनः पहुंचाने लगे, कुछ गण प्रजापति की पत्नियों को डराने लगे, कुछ गण पत्थर फेंक फेंक कर वहां पे रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार कर। और उस समय शिव जी का मुख्य गण वीरभद्र ने देखा कि किसने हमारे स्वामी का क्या अपमान किया। वीरभद्र को पता चला, दक्ष प्रजापति जब हमारे शिव जी का अपमान कर रहे थे तब भृगु मुनि अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, करते जाओ बड़ा मजा आ रहा है, करते जाओ, दाढ़ी खुजला रहे थे, अपमान नहीं कर रहे थे लेकिन मजा ले रहे थे। आहा, जोर से बोलो और बोलो। वीरभद्र वहां गए और बिना उस्त्रे के ही भृगु मुनि की दाढ़ी निकाल दी, खींच के निकाल दी। वीरभद्र ने देखा, पुसा नाम का देवता शिव जी का अपमान करते समय दांत दिखा रहा था, ही 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 ही। एक मुक्का मारा, 32 ही हाथ में दे दिया। भद नाम का देवता आंखें बड़ी बड़ी करके ऐसे करके देख रहा था, बोले ए ले बेटा गोटियां खेलना, दोनों आंखें निकाल करके दे दी। अब वीरभद्र ढूंढने लगे कि सबसे बड़ा अपराधी कहाँ है, सबसे बड़ा अपराधी कहाँ है, दक्ष प्रजापति कहाँ पर है। दक्ष प्रजापति हो जैसे कोई गरुड़ झपट मार करके सर्प को उठा लेता है, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को उठा लिया और उसके सर को काटने का प्रयास करने लगा, परंतु दक्ष प्रजापति भी कुछ कम नहीं था, वीरभद्र के हाथों से छूट कर भाग जाता था। अंत में वीरभद्र दक्ष प्रजापति को घसीट कर पकड़ करके यज्ञ के वेदी के पास ला लेकर के आया और उसके मुंडी को काट दिया और मुंडी यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो गया। सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे, ब्रह्मा जी के शरण में गए और सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी कैलाश लोक में गए और बहुत सुंदर स्तुति की। नमामि शमीशां निर्वाण रूपम विभ
ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमकाश वाशां भजेहम्। बहुत सुंदर रुद्राष्टकम आदि के द्वारा भोलेनाथ को प्रार्थना किए, प्रसन्न किए। और भक्तों शिव जी का एक नाम ही है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। शिव जी प्रसन्न हो गए, वीरभद्र को वापस बुला लिया। और जो लोग मारे गए थे, जो लोग घायल हुए थे, उनको जो लोग घायल हुए, जो लोग मारे गए थे, उनको लेकर के आया। बताया कि भोलेनाथ आपके गणों ने इन लोगों को मार दिया, इन लोगों को घायल कर दिया, क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब आप ही कुछ इनके ऊपर कृपा करिए। बोले भोलेनाथ, देखिए आपके गणों ने भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली, अब ऋषि बिना दाढ़ी की अच्छा थोड़ी लगता है। भोलेनाथ ने कहा, देखो अब जो हुआ सो तो हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ओरिजिनल तो नहीं ला सकता, बकरे की दाढ़ी दे दो चलेगा? बोले कुछ भी दे दो चलेगा। आज भी देखेंगे आप लोग, कुछ लोग रखते हैं बकरा कट दाढ़ी, इतना ही तो ये परंपरा वहीं से चल गई, बकरा कट, है ना। पूसा नाम के देवता को बुलाया गया, बोले भोलेनाथ देखो इसके दांत तोड़ दिए। बोले बकरे के दांत दे दूं? बोले दे दो चलेगा। बदनाम के देवता को लाया गया, बोले इसके आंख निकाल दिए गए। बोले बकरे की आंख लगा दूं? चलेगा, दे दो। तो लगा दिया। दक्ष को लाया गया, बोले देखिए आपके ससुर जी, इसके सर को ही काट दिया गया। बोले अब ओरिजिनल सर तो नहीं ला सकता, बकरे का सर लगा दूं? बोले लगा दो। वैसे तो दक्ष प्रजापति ऐसे ठीक ही रहते थे, लेकिन जब बाल बनाने के लिए दर्पण के सामने जाते तो सोचते, अरे शिव जी का अपमान ना किया होता तो अच्छा था। और इतनी घृणा हुई कि अपने शरीर को त्याग दिए। अब देवी सती का यहाँ पर समाप्त होता है। और इधर सती ने अपना त्याग किया था शरीर, और प्राण जब त्याग रहे थे तो उनकी भावना क्या थी कि जब भी मैं वरूं तो किनको वरूं? भोलेनाथ को वरूं। तो यहाँ पर आज की कथा को हम लोग विराम देते हैं। कल हम लोग सुनेंगे भोलेनाथ के दिव्य विवाह का श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ की बरात के विषय में सुनेंगे, भगवान भोलेनाथ का विवाह, और फिर राम कथा कल से प्रारंभ हो जाएगी। और परसों भगवान श्री रामचंद्र का दिव्य जन्म प्राकट्य है ना। तो आप सब लोग उत्सव की तैयारी करो। कल भी उत्सव बारात जाना है भोलेनाथ का, और परसों भगवान का जन्म, ठीक है? ठीक है, तो सब लोग बहुत सुंदर तरीके से तैयारी करो, बहुत सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहन करके आओ। सबसे खराब वस्त्र कथा में पहन के नहीं आना चाहिए, नया वस्त्र पहन करके आना चाहिए। अच्छे वस्त्र पहनो और आभूषण पहनो, भोलेनाथ के विवाह में आओ, भोलेनाथ के बारात में आओ, और परसों फिर भगवान के दिव्य जन्मोत्सव में आओ। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निदाय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।